अरे वाह, कोई मदद चाहिए तो बताना। नहीं नहीं आंटी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरी मॉम कहती है कि मेरे हाथों में तो जादू है। अब बस ये जादू सब पे चला देना, तेरे हाथ का बना मांग मांग के खाए लोग। हेलो भैया, कहाँ पहुंचे आप? रास्ते में हूँ मैम। रास्ते में? नहीं 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 नहीं, जो एड्रेस दिया है वहां नहीं आना है। उसके दो चार घर छोड़ के ना एक जनरल स्टोर है, आप वहां खड़े रहना, मैं वहीं आ जाऊंगी। ठीक है। नमस्ते लालाजी। लालाजी, कल मार्केट में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, उसके लिए क्षमा कीजिए। अब कोई नहीं, आइए आइए आइए। रामनाथ जी, सोलंकी आ जाइए। नमस्ते लाला जी। लाला जी, मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन के मेंबर की हैसियत से आया हूँ। घर आपका है, अगर आपको कोई एतराज हो तो मैं वापस जा सकता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, बैठिए आइए। अच्छा मौका है, मैं सारे पाप धो दीजिए आज। अभिषी, आप ही ना छत देखो तब मुझे विलेन बना देती है। जैसे लाला जी ने तो कभी मेरी बेइज्जती की ही नहीं। हाँ, लेकिन पहले आपने की थी, वो भी सबके सामने पूरे बाजार में। आज वही सब लोग यहाँ पे हैं। का खोया हुआ सम्मान आपको लौटाना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। अरे माया अदिति, ले आओ। पकौड़े इज अमेजिंग। बाबूजी का फोन आया था, कह रहे थे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, सिर्फ एक ही लीजिएगा। जल्दी कर प्रीति। भैया मैंने ही मंगवाया, जल्दी कीजिए। ले लीजिए। थैंक यू। कहाँ गया वैभव? सॉरी सॉरी सॉरी। ओह गॉड, लड़की कहाँ गई? उसे तो पता भी नहीं कि खाने में केमिकल गिर चुका है, अभी तक तो जहर बन चुका होगा। कहाँ गई? वही लड़की थी जिसे मैंने वैभव के साथ देखा उस दिन। मैं वैभव को कॉल करती हूँ। ये भी फोन नहीं उठा रहा है, क्या करूं? हाँ चली गई ये लड़की। हे भगवान, अगर किसी ने वो खाना खा लिया तो। तो भाई लोग,
रिफ्रेशमेंट का आनंद हो गया हो तो कुछ काम की बात कर ले। जब सारे एसोसिएशन के मेंबर्स यहाँ मौजूद है तो क्यों ना आने वाले प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाए। तो प्रस्ताव में दो नाम उठे थे, एक रामनाथ जी का और दूसरा रूपचंद जी का। तो प्रस्ताव के अनुसार व्यापारी संगठन के नए प्रेसिडेंट चुनने के लिए वोट किया जाए। हाँ जी। एक मिनट, इस साल व्यापारी संगठन के नए प्रेसिडेंट के रूप में रूपचंद जी को चुना गया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। लेकिन मेरे हिसाब से यह पद ऐसे व्यक्ति को जाना चाहिए जो मुझसे भी ज्यादा लायक हो। मैं कुछ समझा नहीं रूपचंद जी। सिंह साहब, अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए मैं अभी ये पद नहीं ले सकता। मेरी नजर में इस साल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट लाला जी को बनाना चाहिए। इस वक्त यहां पे ऐसा कोई नहीं जो लाला जी को तजुर्बे में टक्कर दे सके। ये मार्केट आज भी सुख सागर नमकीन वालों के नाम से जानी जाती है। तो भला लाला जी के होते हुए मैं एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कैसे बन सकता हूं? लेकिन रूपचंद जी, इनकी तो दुकान ही नहीं रही वहां पे। सिंह साहब, कीमत दुकान की नहीं, इंसान की होती है। लाला जी का तो मार्गदर्शन ही एसोसिएशन के लिए काफी है। तो ठीक है, इस साल व्यापारी संगठन के नए प्रेसिडेंट के रूप में निरंजन जी का नाम घोषित किया जाता है। ये क्या सोनिया मनमोहन हो गया। मतलब पहले कैंडिडेट चेंज, अब डैडी जी प्रेसिडेंट। लाला जी, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उस पर मिट्टी डालिए। मैं अपनी गलतियों की सबके सामने आपसे माफी मांगता हूं। माता रानी के शुभ दिन चल रहे हैं, क्यों ना हम भी अपने नए रिश्ते का शुभारंभ करें। Thank you.
जय लक्ष्मी माँ, आपने मेरी सुन ली माँ। मेरे पति के सम्मान को आज आपने फिर लौटा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह क्या खुशबू है, कुछ ज्यादा ही अच्छा बना दिया बेटा। थैंक यू आंटी। माता का भोग, ये भी अच्छे समय पे आया है, ये शुभ काम भी तुम्हारे हाथों से कराते हैं। थाली लो। ये मुझे दे दो और अपने हाथों से परोसो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, अगर वो लड़की नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सब इसी ने बनाया है, इसे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा, मालिक खुश रखे। अरे जिस घर में चाहो उसी घर में शादी हो, खुश रहो, ऐसे बोलो ना, ऐसे कंजूसी मत करो आशीर्वाद देने में। ये सब भी मिले बेटा आपको। लीजिए माता का प्रसाद लीजिए। ओह गॉड, अगर इन्होंने जहरीली दाल पी ली तो। Thank God. तुम भगवान का प्रसाद कचरे में गिरा दिया और बोल रही हो थैंक गॉड। आंटी नहीं इसमें। चुप, बिल्कुल चुप। पूरी की पूरी दाल फेंक दी तुमने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पूरे रतलाम में मैं ही मिलती हूँ तुम्हें। बता ही दे किस मकसद से घूम रही है तू, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, रोज एक काम बिगाड़ती है मेरा। बस आंटी, ये दाल नहीं जहर था, जहर। फिनाइल गिर गया था इसमें, मैंने खुद देखा जब ये बाहर आई थी बर्तन में दाल लेने। बाहर आई थी? ये क्या बोल रही है प्रीति? पता नहीं आंटी, कोई सपना देख रही थी क्या तुम? अरे तुम आई नहीं थी उस डिलीवरी वाले से पास से लेने, और वही दाल तुमने बर्तन में डाली और ध्यान भी नहीं दिया। फिनाइल गिर गया था इसमें, और मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही तुम्हें बताने के लिए। आई एम श्योर इसने किसी और को देखा होगा। तुम अपना चश्मा घर पे भूल गई हो क्या? ओ हेलो, मैं चश्मा नहीं लगाती। तो जाके बनवा लो, तुम्हारी नजर कमजोर हो गई। मैंने खुद अपने हाथों से ये पूरा खाना बनाया है, और वो दाल भी। मैंने मैंने कुछ भी बाहर से नहीं ऑर्डर किया है। ये कुछ भी बोल रही है। हे भगवान, झूठ पे झूठ। बस बस, दाल तो किसी को खाने नहीं दी, यहाँ खड़ी सर खा रही हो। अपनी अदालत कहीं और लेके जाओ। आंटी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकिन अगर आपको मेरी बात नहीं सुनिए तो मत सुनिए, ठीक है? मेरे लिए इतना काफी कि किसी ने वो दाल खाई नहीं, वरना पता नहीं क्या होता।
आ बेटा। कोई बात नहीं, दाल ही तो थी, फिर से बन जाएगी। चलो फटाफट बना दो। क्या हुआ, बना दो। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? I'm sorry आंटी, मैंने आपसे झूठ बोला था, मुझे खाना बनाना नहीं आता। खाना तो क्या, मुझे तो ढंग से गैस पे पानी तक उबालना नहीं आता। आंटी मैं घबरा गई थी, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई सच बताने की। डर गई थी कि कहीं आपको पता चला तो आप क्या सोचेगी, अपनी होने वाली बहू को खाना तक बनाना नहीं आता। इसी बात को लेकर अगर आपने रिश्ता ही कैंसिल कर दिया तो, इसीलिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया। वो लड़की झूठ नहीं बोल रही थी। पता है मुझे। आपको कैसे पता? सच आंखों में दिख जाता है बेटा, और जिस तरह से वो लड़की बात कर रही थी मुझे पता है वो झूठ नहीं बोल रही थी, इसलिए मैंने बाकी की दाल भी फेंक दी। आपने उसके सामने मुझे सपोर्ट किया। घर वाले किस लिए होते हैं, और तुम तो मेरी होने वाली बहू हो, तुम्हारे लिए तो दुनिया से लड़ना पड़ेगा ना। गलती मेरी है, मैंने ही सोच लिया कि तुम्हें सब कुछ आता होगा। जरूरी नहीं कि हर लड़की को खाना बनाना है, उसमें 50 और हुनर हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि तुमने अपनी गलती मान ली। अब चलो मैं दाल बना देती हूँ। पालक बेचनी शुरू कर दी? नहीं सविता, रास्ते में आ रही थी तो ताजा पालक देख के सोचा थोड़े तुम्हारे लिए भी ले लेती हूँ। ये लो। इसे ताजा पालक कहती हो तुम? हाँ। ये खराब है, पूरा बंडल बेकार है, देख के तो लाती, देखो पूरी गली हुई है। तुम कॉल सेंटर वाले भी ना सब्जी खरीदना तक नहीं आता, फिर काम करो सब्जी भी कॉल करके मंगा लिया करो। सविता बिल्कुल सही कह रही हो तुम, ये पालक तो खराब है, मैंने तो जल्दबाजी में देखा ही नहीं। सविता ऐसा ही होता है, जब किसी चीज को पाने की जल्दी हो ना तो इंसान उसकी कमियों को भी अनदेखा कर देता है। अरे वो तो छोड़ो, कमियों में भी खूबियां ढूंढ लेता है। तुम मुझे ये पालक देने आई थी या अपने ज्ञान का रेडियो बजाने? अब क्या कहना चाह रही हो? यही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी किसी की कमियों को अनदेखा कर रही हो। मैंने देखा है कि क्या हुआ है। मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रही हो, कि प्रीति ने बाहर से खाना मंगाया। मंगा लिया तो क्या हुआ? तुमने सिर्फ बाहर का ड्रामा देखा, अंदर क्या हुआ तुम्हें कुछ पता नहीं है। और प्रीति ने अपने किए के लिए सबसे माफी भी मांगी है। और खाने का क्या है, वो तो मेरी बेटी अदिति को भी नहीं बनाना आता, उसने मांगी माफी। एक बार प्रीति बहू बन के आ जाएगी ना, मैं उसे सब सिखा दूंगी।
हाथ में स्वाद होने से ज्यादा जरूरी है मन में अच्छे संस्कार होना। अच्छा मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ये पालक वापस कर देना और पैसे लेना उससे। हाँ ये पालक तो वापस हो जाएंगे सविता, पर तुम जिस रास्ते पर निकल पड़ी हो कहीं इतनी दूर मत निकल जाना कि वहां से वापस आना असंभव हो जाए।